Hello everyone, this is Hitesh and I welcome you all to this YouTube channel named as HR Academy. दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए क्लास 10th बायोलॉजी की रेफरेंस का रिव्यू लेकर आया हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन सी बुक है ये और कैसे आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा था इसी रेफरेंस के लिए और ये जो रेफरेंस है ये हमारे क्लास 10th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है ये रेफरेंस और ये है ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बुक। इसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, ये ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और सबसे पहले यहाँ पे इसका जो है वो कंटेंट मेंशन किया गया है। मैं आपकी इसकी प्राइस बता दूँ तो ये है 375 रुपीज़ की और ये बुक बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले एज यूजुअल सभी बुकों की तरह इसका भी जो है वो यहाँ पर कंटेंट मेंशन किया गया है, तो 6 चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये भी है कि एट लास्ट इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और यंग साइंटिस्ट के लिए भी थोड़ी सी टेक्निक्स, थोड़े से क्वेश्चंस दिए गए हैं और ग्लॉसरी भी दी गई है बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में जो है वो मेंशन किया है। तो सबसे अच्छी इसकी बुक की जो बात है, ये बहुत ही कलर्डफुल बुक है, बहुत ही अच्छे से इसमें जो डायग्राम है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सी एनीमोन का डायग्राम है, ये लाइव प्रोसेसेस में ये सी एनीमोन का डायग्राम दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर आप किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बुक आप देखिए, बहुत ही स्मूथ पेजेस हैं इसके और हर चीज़ बहुत ही अच्छे से दी है। देखिए जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कितनी अच्छे से डिफरेंस दिया गया है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो मेंशन की हुई है आप सभी के लिए बहुत अच्छे से। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन्होंने साइड में जैसे मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी एंड इज देन एक्टिवेटेड इन द स्किन बाय द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है हर चीज़ मेंशन की है, बहुत ही कलर्डफुल डायग्राम्स जो हैं दिए हुए हैं। इस तरह की जो जब बुक रहती है रंग बिरंगी तो बड़ा ही अच्छा मन लगता है पढ़ने में। तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे हर टॉपिक मेंशन किया है। अच्छा, इसकी बात एक अच्छी ये भी है कि इन्होंने एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए बीच बीच में इस तरह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, जैसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से दिए हैं और ढेरों क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, चाहे तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस हो चाहे फिर वो दूसरे तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। ये देखिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब आपका हर छोटे से छोटा टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है वो यहाँ पे कवर किया गया है और बहुत ही अच्छे से डायग्राम की हेल्प से, फ्लो चार्ट्स की हेल्प से सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बीच बीच में तो ये दिए ही गए हैं सैम्पल क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं पीछे और एट लास्ट बहुत अच्छे से चैप्टर की पूरी समरी दी है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ये देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर था लाइव प्रोसेसेस, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को इन्होंने इस फ्लो चार्ट में जो है वो कवर किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम आप फ्लो चार्ट की हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। देखो फिर ये सॉल्व कॉर्नर, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व दिए हुए हैं, मतलब आप लोगों को एनसीईआरटी ये बहुत थॉरोली एक्सप्लेन करने वाला है और एनसीईआरटी का हर छोटा सा छोटा टॉपिक कवर करेगा, हर छोटे से छोटा क्वेश्चन इसके अंदर कवर किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी समझना और समझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों। और बायोलॉजी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फुली डायग्राम बेस्ड होता है, आपको पता है बायोलॉजी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आजकल जो टर्म वन टर्म टू का सिस्टम हो गया उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके से ये सारी बुक आपको देखने को मिलेगी। देखिए पीछे हर चैप्टर के पीछे हॉट क्वेश्चंस भी दिए हैं, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं। फिर देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं हर चैप्टर के अंदर इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये असेसमेंट क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट के लिए इन्होंने क्वेश्चंस जो है वो मेंशन कर दिए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर भी।
तो सब कुछ दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए दिए हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हैं, सब कुछ इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर एट लास्ट इनके जो है वो आंसर्स वगैरह भी इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, रोल प्ले एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, डायग्राम बेस्ड भी हैं, डू द रिसर्च एंड ऑल, ये अरेंज द फ्लो चार्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप वर्क भी दिया हुआ है, तो हर चीज कवर की गई है। अच्छा, जो सभी चैप्टर्स का कंटेंट है वो तो एक जैसा है, और उसके बाद एट लास्ट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि जो अभी जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से भी चीज़ें कवर की जा सकती हैं, तो मीन्स इवन एक्सपेरिमेंट्स जो भी हैं बायोलॉजी के, इन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चंस जो भी हैं वो हर चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखी हुई है। ये देखिए, ये फिर पीछे एक्सपेरिमेंट्स भी इन लोगों ने दे दिए हैं। देखो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं दोस्तों, और उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो भी इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बाइनरी फिशन एंड अमीबा एंड ऑल, इस तरह से सब दे रखा है। और एट लास्ट ये एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, और फिर ये यंग साइंटिस्ट के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज, सपोज वेयर इट इज रिटर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंसेस एंड ऑल, ये एट लास्ट ग्लॉसरी दी हुई है जिसमें ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बायोलॉजी के लिए, आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप सो दोस्तों आप सभी को ये वी के ग्लोबल पब्लिकेशन की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनली बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी 375 की है, तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आई होप सो दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।